शहीद मेजर ब्रिजेश थापाको पार्थिव शरीर बुधबार बागडुङ्रा हवाई अड्डा मार्फत सिलगढी ल्याइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलगढी, इन्डियाज लीडिंग प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम, एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2024-25। जम्मू कश्मीर को डोडा में राति मेजर ब्रिजेश थापा आतंकवादी को गोली को शिकार बनी शहीद बनेका थिए। देश रक्षा हेतु उनले सर्वोच्च बलिदान दिएका छन्। उनको पार्थिव शरीर बुधवार जम्मूबाट दिल्ली हुँदै बागडुङ्रा एयरपोर्ट आइपुगेको छ। संसद राजु विष्टले उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। पार्थिव शरीर दार्जिलिङको लेबोङ उनको निजी घर लगिनेछ। उनको अन्तिम संस्कार 19 जुलाई शुक्रबार गरिने भएको छ।
ग्लास देना। आप क्या बोलेंगे? अभी ऑलरेडी आप बोल सकते हैं, अभी अभी मेरा बेटा अभी शहीद हो गया देश के लिए, है ना, हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। बट ये फैक्ट भी है कि वो अभी यहाँ पे नहीं है, हमारे साथ नहीं रहेगा, कभी आएगा भी नहीं, है ना। ठीक है, गर्व तो है, गर्व क्यों नहीं होगा, गर्व तो होगा, इतना ऐसा मतलब किन को मिलेगा ऐसा, है ना, आपके बेटा ने जिस तरह से एक युवाओं को मैसेज देके गया है, इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? तो युवा लोगों को सब इसे फॉलो करना चाहिए, इनको सबको ना, मतलब आजकल लोग जो है बाहर का प्रोफेशन में ऐसे में कम जाते हैं रिस्क है करके, लेकिन अगर सभी लोग बिजनेस करने ही जाएंगे तो ये काम कौन करेगा, किसी को तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए कि ये काम किसी ने किसी को तो उठाना पड़ेगा, तो इसलिए हम में से सबको किसी को एक इस ये जो मेरे बेटे ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, इसको देखते हुए और भी यूथ को जो है हमारे देश को बचाने के लिए, देश के लिए सेवा करने के लिए काम करना चाहिए, ना ही सिर्फ जो है बिजनेस करने जाए, इसमें भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। ब्रिजेश जी का भी कोई भाई है? ब्रिज का भाई नहीं है, बहन बड़ी है। भाई भाई होता तो उसको उसको भी भेज। हाँ, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि एक बेटा एक बेटी एक बेटा का। शहीद की जो बहन है वो क्या करती है? वो जो है एक प्रोफेशनल सिंगर है, अपना नेपाली में फिल्म में और नॉर्मल ये गाना जो है नेपाली में करती है, उसमें कई सारे यूट्यूब में भी हिट हुए हैं, व्यूज आए हैं। आज आपका बेटे ने देश के लिए बलिदान कितना गर्वित करता, देश के लिए बलिदान कितना गर्वित करता, देश के लिए तो हम हमेशा एज ए आर्मी, मैं भी आर्मी का हूँ, छापा हूँ, मेरा बेटा है वो, मेरे पिताजी भी आर्मी के ऑफिसर थे, तो हमारे तो एक खून में ही देश के लिए काम करने का और ऐसा मौका करने का हमने कसम भी खाया है और हमारे खून में भी है। और क्या हम इस ये जो जो मेरे बेटे ने किया है वो जैसे हम किसी भी एक नॉर्मल फौजी को करना चाहिए, उसने ये किया है और उसने एक एग्जांपल भी दिया है सबको कि ऐसा देश के लिए कैसे काम करना है, कैसे करना, चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो, अगर कोई मुश्किल है मुश्किल में जान भी गंवाने ही पड़ेगा। लास्ट तक हमने पूरा लड़ाई किया, आखिर सात तक लड़े हैं, पीछे नहीं हटे हैं, और इसको क्या है लोगों को एक तरीके का एग्जांपल दिया है उसने इतने छोटे उम्र में कि देशभक्ति क्या मतलब है, क्या है ये उसका मीनिंग उसने आप करके दिखाया और बताया है, समझाया है। परिवार में मेरे भाई और मेरे बेटी कभी सर ये तो गर्व की बात है, लेकिन रिटेलिएशन के विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए ये रिटेलिएशन ऐसा होता है कि जैसे ये हमारा एक ऑपरेशन है और ऐसे जब हो जाता है तो उसका जो है फर्दर क्या है इसका जो हमारे जो ऑपरेशन चलता रहता है इसको बदला लेने के लिए ऑपरेशन चलता रहता है। अभी भी मैं आज सुबह ही हमारे उनके CEO साहब से बात किया था 10 RR में, ये उनका ऑपरेशन चल रहा है, तब से लगातार चल रहा है और उनके ढूंढ हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं, मुझे गारंटी दिया है कि हफ्ते भर में उनको हम ढूंढ निकालेंगे। मोदी जी तो कह रहे थे कि हम तो घुस के इनका घर पे घुस के बदला लेंगे, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए घर में घुस के बदला लेने वाला बात जो है वो गवर्नमेंट का है, लेकिन हमारे लेवल में जो है CEO से मैंने उनके कमांडिंग ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने ये बोला कि हम एक हफ्ते के अंदर जो जिसने ये काम किया उसको हम छोड़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। समस्त जनता को तर्फबाट, दार्जिलिङ को जनता को तर्फबाट म कैप्टेन ब्रिजेश थापाजीलाई श्रद्धांजलि अर्पित गर्न चाहन्छु र सँगसँगै उहाँका मातापितालाई भेट्ने मैले मौका पनि पाए, म नमन गर्छु उहाँलाई, किनभने 27 सालको
उमेरमा आफ्नो छोरा गुमाउनु बहुत ही कठिन परिस्थिति कठिन समय हो उहाँका लागि। भए तापनि 27 सालका उमेरमा छोराले आफ्नो प्राणको आहुति देशका लागि सर्वोच्च बलिदान दिएका छन् र आज 140 करोड हिन्दुस्तानी बसोबास गर्ने देश उहाँका साथमा खडा भएको छ र उहाँको बलिदान र यो त्याग खेर जाने छैन त्यो पनि म जोड्न चाहन्छु। पटक पटक यस्तो हमला भइरहेको छ, यो फिफ्थ पल्ट हुनसक्छ, आखिरी प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर, काहीँ न काहीँ इन्टरनल सेक्युरिटीमा ढिलाइ हो कि? यो हेर्नुहोस्, ढिलाइ केही पनि होइन है, सायद आर्मीले हामीहरूले सिकाउनु र ट्रेनिङ दिनुको आवश्यकता पनि छैन, हामीहरूको बोर्डर सुरक्षित छ, तर पाकिस्तान समय समयमा आफ्नो आतङ्कवादी सङ्गठनको नाम परिवर्तन गरेर नाम बदलेर नाम चेन्ज गरेर पटक पटक जिस्काउने काम पाकिस्तान गरिराख्छ र मलाई लाग्छ अब फेरि एउटा एयर स्ट्राइकको खाँचो म देख्दै थियो 2019 सायद पाकिस्तानले धेरैवटा सैनिकहरूले आफ्नो प्राण दिइसके भारत सरकारकोबाट कुनै पनि यस्तो रिटालिएसनको निम्ति कुनै ठोस कदम लिइसकेको छैन। 10 वर्षमा जति रिटेलिएसन भारतको तर्फबाट भयो आजसम्म उनको इतिहासमा भएको थिएन र कृपया गरेर म चाहन्छु हामीहरू आम मानिस आम जनता र मिडियाले सायद आर्मीलाई हामीहरूले कुनै मतलब सायद सिकाउने आवश्यकता पनि छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ र यस्तो केही कार्यक्रम बनिँदा पनि कुनै पनि नेताले सार्वजनिक बयान दिनमा मतलब सायद नदेखेर राम्रो होला जस्तो पनि मलाई लाग्छ। म धन्य छन् उहाँका आमा बुबा, म फेरि पनि नमन गर्छु र दार्जिलिङको यो एउटा विशेषता बनिरहेको छ, जब पनि देशलाई खाँचो पर्छ दार्जिलिङले आफ्नो सर्वोच्च बलिदान दिएकै छ। अच्छा राजुजी, जसरी यतिन्जेल हाम्रो गोर्खाहरू सहीद हुँदा पनि देशको निम्ति हुँदा पनि तर पनि कता न कता हाम्रो दार्जिलिङकै गोर्खा अथवा सम्पूर्ण भारतको गोर्खाहरूलाई विदेशीको लाञ्छना लाग्छ? मलाई लाग्छ आज राजनीति नगरौँ, यसको जवाब म मजल दिन सक्छु तर आज सायद यो उचित समय होइन होला, कुनै दिन यसका विषयमा बात गरौँला र हामीलाई विदेशीको लाञ्छना किन लाग्छ र त्यसको उपाय के छ र भारत सरकारले के गर्छ त्यसका लागि अलगै कुनै दिन कुरा गरौँला। सायद आज यो परिस्थितिमा सायद अरू प्रश्नहरू सायद उचित हुँदैन। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ नि? म नमन गर्छु उहाँका मातापितालाई, सर्वस्व सम्पूर्ण देश तपाईँका साथमा यो कठिन समयमा उभिएको छ र उहाँ क्याप्टन बृजेश थापाप्रति हामीहरूको सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्न चाहन्छु र फेरि पनि भन्छु उहाँको सादत बनु उहाँको त्याग बनु यो खेर जाने छैन। थ्याङ्क यू सर। उहाँ आफ्नो ड्युटीमा आफ्नो बलिदान दिए, वी आर भेरी प्राउड अफ हिम। अनि उनीसँग अझै 4 जवानहरूले पनि बलिदान गरे आफ्नो ड्युटी गर्दाखेरि, वी आर भेरी प्राउड अफ द्याम। ब्रिगेडियर हेमन्त शर्मा हुँ, म रेजिमेन्ट अफ आर्टिलरीको हुँ, रिटायर भएको पनि धेरै दिन भयो। हामी यहाँ आज भेला भएका छौँ किन हाम्रो एक यङ क्याप्टन देशको रक्षामा लडाइँको दौरान उहाँको स्वर्गवास भयो, त्यसको शोक मनाउन उहाँलाई सम्मान गर्न हामी सबैजना यहाँ भेला भएका हौँ र तपाईँहरू आउनुभयो। यो मिडियाले इभेन्टलाई कभर गर्दैछ, पुरा देशवासीहरूले थाहा होस् कि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको हाम्रो एउटा नौजवान क्याप्टन भनेको भर्खरै 3-4 नोकरी भएको मानिस, देशको रक्षामा आफ्नो प्राणको आहुति उहाँले दिए, हामीलाई यो गर्वको कुरा हो। तर हामी सब यहाँ भेला भएका छौँ यही शोक मनाउन अनि उसलाई उसले दिएको बलिदानलाई इज्जत गर्नका लागि आएको। शहीद बृजेश थापाप्रति कालेबुङ गोर्खा गौरव संस्थानद्वारा पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गोर्खाहरूले देशको निम्ति अतुलनीय योगदान दिइरहेको संयोजक सुधीर गलेले बताएका छन्। जय गोर्खा। सम्पूर्णमा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै गोर्खा जातिको भूमिका भारतवर्षमा के छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई विदितै भएको कुरा हो।
आज यो हाम्रो निम्ति अति नै दुःखको कुरा हो कि जो हाम्रो भाइ ब्रिजेश थापा हुनुहुन्थ्यो, जो केवल 27 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा आर्मीको क्याप्टन, जम्मू काश्मीरको डोडा जिल्लामा उहाँले वीरगति प्राप्त गर्नुभयो। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको हामी कामना गर्छौँ र यो दुःखद अवस्थामा उहाँको सम्पूर्ण घर परिवारहरूलाई भगवान्ले धैर्यता ग्रहण गर्ने क्षमता दिउन् भनी हामी गोर्खा गौरव संस्थान अनि गोर्खा स्वतन्त्र समूह उहाँको घर परिवारलाई, उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भने हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। धन्यवाद।